अगली खबर मथुरा से है, जहां मथुरा दौरे पर आए मोदी जी के बयान, ओम और गाय के नाम से कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाय से विशेष प्रेम है, तो गाय संवर्धन का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाए और आवारा पशुओं के लिए योजनाएं बनाई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख, इससे किसी के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। रोंगटे तब खड़े होते थे जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और भुट्टो साहब के बाल काटने पर खड़े होते थे। उन्होंने कहा कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाओं का अनुदान सबसे पहले हमारी सरकार ने दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा बीफ आपकी सरकार के शासन में निर्यात हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपके शासन में ना आतंकवाद समाप्त हुआ है और ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना ही काला धन वापस आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी मनमोहन सिंह जी से नसीहत लेकर देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करिए। नहीं, मोदी जी ने एक बात और कही थी कि ओम और गाय के नाम से लोगों के कान बजने चाहिए। इन्होंने मंगलयान, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, अच्छा काम कर रही है। आपने बड़ी बड़ा दुख प्रकट किया, जबरदस्ती पकड़कर उनको आपने बड़ी सांत्वना दी, लेकिन वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन की कटौती आप क्यों कर रहे हैं? क्यों वेतन की कटौती कर रहे हैं? कोई भी नियम कानून बने तो व्यवहारिक होना चाहिए। अब स्कूटी आती है 18,000 और जुर्माना होता 25,000, बताइए ये न्यायपूर्ण ऐसा है? मैं जानना चाहता हूँ राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, ये सर आपने देखा है, क्या बयान दिया था बताइए, आप बताइए ना, आपने कुछ पूछा बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बयान में आपत्तिजनक क्या कहा था बताइए ना जी, आपत्तिजनक क्या नहीं था? ऐसा है, जब प्रश्न पूछा करें तैयारी के साथ पूछा करें, कोई उन्होंने आपत्तिजनक कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक है, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर रखें, जिस तरीके से आजम खान पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? बात यह है, देश में गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस चला हुआ है, विरोधियों पर झूठे मुकदमे दायर करिए, झूठे केसेस में फंसाइए, ईडी आईटी उसका हल का बहुत सुंदर ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 शब्दों में कहा था कि कश्मीर का हल 3 शब्दों में है, जमहूरियत यानी प्रजातंत्र, कश्मीरियत यानी कि कश्मीर के लोगों की भावना, और तीसरा इंसानियत। ये 3 शब्दों में कश्मीर की समस्या का हल अटल जी ने अपने भाषण में कहा था। अमित शाह जी ने, आपको ये मालूम नहीं होगा, आर्टिकल 35A कांग्रेस ने नहीं लगाया था, तत्कालीन कश्मीर के महाराजा ने 1927 में कश्मीरी पंडितों के आग्रह पर यह कानून बनाया था। एक दूसरा, कश्मीर के जो संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल थे उनमें से भारत के आर्टिकल 96 में से 94 लागू होने लगे थे, और सबको साथ में लेकर समन्वय के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी जी तक इस समस्या का निदान किया गया था। उदाहरण के लिए
वहाँ के गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था, अब गवर्नर कहा जाता है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अब मुख्यमंत्री कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे कि इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके, केवल जुमलाबाजी चली गई। जिस आदमी को गुजरात में मुसलमान की टोपी पहनने से एतराज था, वो सऊदी अरेबिया जाकर वहाँ के सऊदी अरेबिया के मुसलमानों को खुश करने के लिए वो टोपी भी पहनते हैं और सारे वो भी दुपट्टा भी डालते हैं। ये प्रश्नों का जवाब वो नहीं देंगे। बेरोजगारी बढ़ रही उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी नसीहत लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, जिन्होंने कि साफ शब्दों में 6 पॉइंट एजेंडा दिया है, 6 पॉइंट एजेंडा किया, इस पर काम करिए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर सके। आज कश्मीर की हालत भाजपा कहती सामान्य है, अगर यहाँ लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हैं। शासन से मैंने प्रार्थना की है कि वे इसकी जांच करवाएं और कानूनन ये नियम बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब नाव में बैठता है उसको लाइफ जैकेट पहनाना चाहिए। मैंने जब नर्मदा परिक्रमा की थी तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि जब दक्षिण तट से उत्तर तट पर हम जा रहे थे, खंबाट की खाड़ी में हम लोग नाव में गए थे, तो 4.5 घंटे की यात्रा होती है जिसमें अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। फिर भी गुजरात की सरकार ने लाइफ जैकेट का कोई प्रबंध नहीं किया था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र उसमें लिखा था, मुख्यमंत्री जी को कॉपी दी थी कि जितने भी नर्मदा का परिक्रमा करने लोग आते हैं उनके लिए लाइफ जैकेट का प्रबंध करना चाहिए और साथ में जेटी भी का भी इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा वालों को तट के निकट पानी में कूद कर ही बाहर निकलना पड़ता है, जिस हमने उनसे किया था, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ तशरीफ लाए, मथुरा तशरीफ लाए, और उन्होंने कहा था अपने भाषणों में कि लोगों को ओम और गाय के नाम लेने से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओम और गाय का नाम लेने से किसके रोंगटे खड़े होते हैं? ना हिंदू के होते, ना मुसलमान के होते, ना ईसाई के होते, ना किसी के होते। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।